दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग हिंदी में एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर हाजिर हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आजकल हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेशन अटेंड करके। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने वर्णमाला पर दो क्लास लिया, ठीक है, वर्णमाला पर दो क्लास किया। पहला वाला क्लास हमारा स्वर व्यंजन पे था और दूसरा वाला क्लास हमारा उससे भी ज्यादा विस्तारित था। और आज हमारी तीसरी क्लास आ गई है किस पर, तो याद रखिए विराम चिन्ह पर। जैसा कि आपने कहा था सर मुझे शुरू से पढ़ना, तो मैं एकदम शुरू से लेके चल रहा हूं, ठीक है। वैसे आज बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि यार बड़ा आसान सा जो है टॉपिक सर ने चूज कर लिया, लेकिन विश्वास मानिए पता है 10-5 क्वेश्चन भी आप सही नहीं करने वाले हो, ठीक है। 10-5 क्वेश्चन भी आप सही नहीं करने वाले हो क्योंकि स्टडी 91 पे खड़े हो भाई, ठीक है। तो जान लो कि मैं बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के लाया हूं। देखो ये सब आप किताबों में नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सोचते हैं कि कोई किताब लेंगे उसमें लिखा रहेगा या हमको मिल जाएगा सर जो बना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो मिलेगा आपको केवल स्टडी 91 पे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया या एप्लीकेशन में जाइए, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ सबको मिलता है ना, पीडीएफ सबको मिलता है ना, सभी लोगों को प्रॉपर ढंग से पीडीएफ मिलता है ना। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो भाई, बहुत बहुत बेहतरीन क्लास है, एकदम दिल खोल के आज मैं पढ़ाने वाला हूं। और एक सिंगल प्रश्न अगर विराम चिन्ह से कभी जिंदगी में आपकी परीक्षा में एक्स्ट्रा आ गया, जो कहोगे हार जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके यहां से क्वेश्चन बनाया हूं ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एक्स्ट्रा पूछ ही नहीं सकता है। आज की क्लास देखकर आपको बिलीव हो जाएगा कि सर इम्पॉसिबल है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आ जाए। चलो जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, उम्मीद करता हूं बहुत मजेदार सेशन होगा। मजेदार तो यार तब होगा ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जितने कमेंट आ रहे हैं ना, सभी कमेंट दिखने चाहिए मुझे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे ऐसी दिन चाहिए यार, ठीक है, ऐसा दिन दिला दो, मजा आ जाएगा। चलो देखो पहला प्रश्न लिख रहा है, पहले प्रश्न हार्ट अटैक वाला है। सर याद नहीं हो रहा है, कभी पढ़ा नहीं मैंने, क्या करूं मैं, ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? सर पूछा भी तो क्या पूछा, पहला ही झटका मार दिया आपने, ठीक है। ये थानोस का प्रहार है, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचोगे, चाहे कोई भी एवेंजर हो यहां पे, ठीक है। चलो वीडियो शेयर करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। चलो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? तो याद रखेगा 20 मानी गई। कितनी? कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई? 20। कहोगे सर बता दीजिए, अरे यार 20 बताऊंगा थोड़े नहीं, 20 पे पूरी क्लास चलेगी, यहीं बता दूंगा तो आप नहीं बता पाओगे, गजब गजब। अच्छा ये बताओ आप लोग जो कमेंट कर रहे हो मेरे बोलने के बाद कर रहे हो या मुझे बोलने के पहले ही कर रहे हो? ठीक है, पहले कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बाद कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बताओ, अगला बताओ, लिख रहा अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक और उदाहरण दोनों बताइए। अभी अभी आसान लग रहा है, थोड़ा 10-5 क्वेश्चन होने दो, तो मना रहा हूं 10-5 क्वेश्चन बड़े यहां पे, ठीक है। लिख रहा अल्प विराम चिन्ह, दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको कंफ्यूज करूं। देखो आपके सामने तीन शब्द लिखे जाते हैं परीक्षा में, एक होता है अल्प विराम, मैं टेंशन दे रहा हूं आपको, जानबूझ के टेंशन दे रहा हूं। दूसरा शब्द होता है अर्ध विराम, और एक तीसरा शब्द होता है दोस्तों उपविराम। क्या होता है? उपविराम, ठीक है, उपविराम। और चलो एक चौथा शब्द लिख लो, चौथा इधर लिख लो, पूर्ण विराम। तो आप कहोगे सर इसमें से मैं बताऊं क्या आता है मुझे? मुझे पता है पूर्ण विराम क्या होता है, ठीक है। पूर्ण विराम भाई यही होता है जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो आप पूर्ण विराम लगा देते हो, यह पूर्ण विराम होता है। अभी ये अल्प विराम, अर्ध विराम और उप विराम क्या होता है, पहले इसका सैंबल याद रख लो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसका चिन्ह नहीं याद करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, अगर अल्प विराम की बात कर दें, अल्प विराम माने होता है कामा, क्या होता है? कामा। जब कभी आप कामा लगाते हो ना, इसी को अल्प विराम कहा जाता है, मतलब किसी सेंटेंस के बाद थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे राम, मोहन, सोहन, रवि, सवि, ऐसे बोलते हैं ना, तो याद है गंगा, यमुना, दिल्ली, इलाहाबाद, जब इस तरह के शब्द आते हैं तो हमेशा कामा होता है, हर चीज के बाद क्या होता है? कॉमा लगता है, थोड़ा सा रुकते हो। ऐसा नहीं राम श्याम मोहन सोहन ऐसे बोलते हैं क्या? राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता रीता सीता, ऐसे नहीं बोलते ना, श्याराम श्याम मोहन सोहन रीता सीता गीता, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं, तो ये होता कामा, ठीक है। इसी तरह से होता अर्धविराम, अर्धविराम में क्या होता है दोस्तों, ये बोलते हैं अर्धविराम, नीचे कामा रहता है, इसको आप इंग्लिश में सेमी कॉलम बोल देते हो, ठीक है। ये होता है दोस्तों, ये आपका थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं मैं सैंपल ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, और थोड़ा सा और बड़ा कर दें,
देखो ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ठीक है। अब दिखा आपको, ये होता है आपका, क्या होता है, ये अर्धविराम माना जाता है। उपविराम क्या होता है दोस्तों? उपविराम इसको कहा जाता है। देखिए ये उपविराम का सिंबल होता है, ठीक है। तो पहले तो आप सिंबल याद करना सीखो, अगर आपको ये चिन्ह नहीं याद होंगे तो आप कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और निवेदन आप सभी से, अगर चाहते हो मैं झूम करके पढ़ाऊं जैसे कल पढ़ाया था, जैसे परसों पढ़ाया था, तो निवेदन मेरे भाई जूम करके पढ़ाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर करो। वाचिंग मेरी अच्छी होनी चाहिए, वाचिंग अच्छी होगी तभी कुछ हो पाएगा। एकदम दिल खोल के शेयर करो, ठीक है। पूरी यूपीएसआई यहीं से खत्म कर दूंगा मेरे भाई, चाहे बैच में पढ़ना मत पढ़ना रखो साइड में, स्टडी 91 है तो टेंशन नहीं है, हिंदी में कम से कम टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पूछा आपसे उदाहरण बताइए, जैसे जैसे राम श्याम मोहन सोहन, या अगर आप सेंटेंस वाइज देखेंगे अजगर करे न चाकरी, ऐसे पढ़ते हो ना, तो देखिए अगर लिखा रहता है कहीं पर अजगर करे न चाकरी कमा पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए कामा सबके दाता राम, ठीक है। तो कामा कामा जहां होता है, मेरे कहने का मतलब होता है कि कामा थोड़ा सा आराम करने के लिए होता है, थोड़ा सा विराम, थोड़ा विराम, थोड़ा विराम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा कि सब यही बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। अभी आपसे अल्प विराम पूछ रहा था, अब आपसे अर्ध विराम पूछ रहा है, मतलब ये वाला जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये वाला चिन्ह, ये वाले चिन्ह का इस्तेमाल कब करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा, चार ऑप्शन दोगा क्या बताओगे, चार ऑप्शन देगा क्या बताओगे, कि बताओ कि अर्धविराम चिन्ह का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों, अर्धविराम चिन्ह का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर एक वाक्यांश समाप्त हो, एक दूसरा वाक्यांश इससे जुड़ा हो, लेकिन उसका बहुत दूर का वास्ता हो। कहां का? बहुत दूर का वास्ता हो। अब आप कहोगे सर कैसे दूर का वास्ता होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहां पर कि बिजली चमकी, क्या हुई, ध्यान से सुनिएगा, बिजली ज्यादा बड़ा हो गया मेरे भाई। जैसे मैं आपसे यहां कहूं कि बिजली बिजली चमकी चमकी, ठीक है, फिर लगाया इसको, फिर भी बरसात नहीं हुई, फिर भी बरसात नहीं हुई, ठीक है, ये होता है। आप देखिए इस सेंटेंस को हम बोलते कैसे हैं, हम बोलने की भाषा बता रहे हैं, बिजली चमकी फिर भी बरसात नहीं हुई। तो देखिए आप ध्यान देते होंगे, जैसे मैंने बोला देखो राम श्याम मोहन सोहन, तो थोड़ा सा रुका हूं, और इस वाले में बिजली चमकी फिर भी बरसात नहीं हुई, थोड़ा में थोड़ा सा ज्यादा रुक गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि अल्प विराम में क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए अल्प विराम जो है ये ठहराव को बताता है, क्या बताता है, ठहराव, ठहराव बोलिए या रुकने को बताता है, ठीक है, क्या बताता है, रुकना बताता है। और अर्ध विराम जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा ज्यादा रुकना बताता है, थोड़ा ज्यादा रुकना, ठीक है, थोड़ा ज्यादा रुकना, किससे ज्यादा रुकना, तो याद रखिए आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना ये क्या कहलाता है, ये अर्ध विराम कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्ध विराम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं, कोई पूछे अल्प विराम अर्ध विराम में क्या अंतर है, क्या बताओगे, अल्प विराम माने रुकना या ठहराव, जैसे राम श्याम मोहन सोहन, कमेंट पढ़ दो क्या इसी में, ठीक है, रिया अमित अंकित रणदीप साक्षी पूजा चौधरी चौधरी अमित, ठीक है, ये क्या होता है, ये कामा लगते जा रहा, थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं। और अगर आप थोड़ा ज्यादा रुक जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्प विराम से बदल जाएगा अर्ध विराम में, अल्प विराम से बदल जाएगा अर्ध विराम में, ये आपकी कहानी बन जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, अर्ध विराम का इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है। मान लो जैसे कोई हमसे पूछे सर आपकी योग्यता क्या है, कोई हमसे पूछे आपकी योग्यता क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता है बी कॉम, ठीक है, बी कॉम, ठीक है, बी कॉम, मेरी योग्यता है एम कॉम, एम कॉम। तो एक चीज याद रखिए यहां पे दोस्तों, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, बी कॉम ये रियल लिख रहा हूं मैं, मजाक वाली बात नहीं, ठीक है, बी कॉम एम कॉम, जब कभी दो डिग्रियों की बात आती है ना, तो इनके बीच में जो सिंबल होता है हमेशा याद रखिएगा, इनके बीच में क्या होता है, ये सेमी कॉलम होता है, ये अर्ध विराम होता है, थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपसे कोई पूछे आपकी योग्यता क्या है, बी कॉम एम कॉम, ऐसे बोलते जाओ लाइन से, बी एस सी एम एस सी बी ए एम ए, नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, बी कॉम एम कॉम,
थोड़ा रुकते हैं ना यहाँ पे अर्धविराम। आप मोहब्बत से समझो मेरे भाई कि इसका मतलब क्या होता है, अपने आप उत्तर आपको दौड़ा के पकड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करा प्रत्येक वाक्य के पूर्ण समाप्ति के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अरे जब वाक्य की पूर्ति हो गई, जैसे राम बाजार जाता है, नितिन सर की क्लास रात को 9 बजे चलती है, ठीक है, तो चलती तो समाप्त हो गया, तो जहां समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जहां समाप्त हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम। कैसा विराम? रुकिए, अब पूरा सेंटेंस आपका यहां पर क्या हो गया है? समाप्त हो गया, वाक्य आपका समाप्त हो गया, तो यहां दिया जाता है पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, क्या इसके अलावा दोस्तों आप और भी कुछ जानते हैं? और कुछ जानते हैं? अच्छा, अगर आपसे ये पूछ देता कि कहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब क्या बताएंगे? जैसे आपने कहा वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, मेरी बात सुनिए। आपने कहा, अगर एंटिक बात बताऊंगा वीडियो को शेयर कर देना, अगर एंटिक बात बताऊंगा तो ठीक है, यानी जो किताबों में नहीं मिलता, जहां आपका दिमाग नहीं चलता, अगर मैं ऐसी बात बताता हूं अभी इसी प्रश्न में, तो आप वीडियो को शेयर करना कसम से। ठीक है, सुनो मेरे ध्यान से। अगर मैं आपसे, जैसे आपने कहा कि सर जहां वाक्यांश समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम दिया जाता है, पूरी अच्छे से समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम दिया जाता है। चलो एक वाक्यांश मैं देता हूं आपको और आप पूर्ण विराम लगा के दिखाना। जैसे मैंने आपसे कहा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, लगा दो पूर्ण विराम, लगा दो पूर्ण विराम, लगाओगे पूर्ण विराम, लगाओगे पूर्ण विराम, यहां भी तो हमारा वाक्य खत्म हो रहा है लेकिन पूर्ण विराम तो नहीं लग रहा है। तो याद रखिए, यानी ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं यहां पर पूर्ण विराम नहीं लगता है, यहां पर प्रश्नवाचक शब्द लगाए जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं, सब नहीं, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आया ना आपको? तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तब अब आप दिमाग में आ गया कि सर कुछ और भी ऐसे होते हैं क्या कि जहां पर मतलब इस तरह के चिन्हों का, मतलब पूर्ण विराम वाले चिन्हों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं? हाँ, होते हैं। अगर इसी तरह कोई मैटर आ गया विस्मयादि बोधक का, किसका आ गया? विस्मयादि बोधक का आ गया, तो वहां भी दोस्तों क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कई सारे केसेस में, तो याद रखेगा एक्सेप्शनल केस है तो इसको आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहां किया जाता है? तो आप कहोगे सर प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर किया जाता है। जैसे अभी आपने पूछा आपका नाम क्या है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और सर ऐसा जो सैंपल होता है यह प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बताता है। चलो अब एक बार मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, आप बताना मैं सही लिखा हूं गलत। पता दिक्कत क्या है आप लोगों की? दिक्कत यह है ना, आप लोग हमेशा विषय को रटना चाहते हैं, हमेशा रटना चाहते हैं। कभी विषय को रटिए मत, विषय को मोहब्बत से समझिए, प्यार से समझिए। कामा क्या है, मतलब क्या है, कामा मतलब अल्प विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, उप विराम क्या है, बातचीत करिए, सब समझ में आएगा आपको, सब सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपने कहा जहां प्रश्न पूछा जाएगा वहां प्रश्नवाचक, इसका मतलब है जो अभी मैंने आपसे पूछा था पॉइंट नंबर वन, तीन पॉइंट लिखूंगा और इसी में आपको फंसा दूंगा। सुनिए, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या है, ठीक है, तो यह हो गया प्रश्नवाचक। तो आप कहोगे सर यही तो है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलो अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं अंदर आ सकता हूं, क्या ये सही है? सही लिख रहा हूं ना, कोई दिक्कत? ठीक है, ये पूर्ण विराम वाला है। जो लोग मानते हैं दोस्तों कि ये पूर्ण विराम सही है, याद रखिए वो गलत हैं। यहां पे पूर्ण विराम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहां पर हमेशा क्या लिखा जाएगा, यह पूर्ण विराम न लिख करके यहां पे लिखा जाएगा क्या कि मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं, और यहां रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, एकदम जनरल शब्द। आप कहोगे सर पता नहीं कहां से आप पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। अरे यार, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका मतलब बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, घबराइए मत, मेरी बात समझिए। आप लोग ये मानते हैं कि किसी शब्द में प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा तभी वो क्या माना जाएगा, तभी वो प्रश्नवाचक होगा। मैं कहता हूं नहीं, मामला प्रश्नवाचक शब्द का है ही नहीं, वो तो बचपन में आपको याद करा दिया गया कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, आता है, वो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट टेंस माना जाता है, है। और जिसके लास्ट में क्या, मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट माना जाता है, ऐसे पढ़ते थे ना,
या जहां पर ता है, ता था, ती थी, ते थे आता है, वहां पे क्या माना जाता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस माना जाता है। ये आपको रटा दिया गया था, उसका मतलब थोड़े कि आप हर जगह इंडिफिनिट खोजेंगे। ता नहीं लिखा रहेगा तो इंडिफिनिट में नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। बचपन में आपको सिखा गया कि जहां भी आपके सामने प्रश्नवाचक शब्द दिखे, मान लो कि वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा और वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन बड़े हो गए हो, अब आप बच्चे नहीं हो, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द जिसमें जो है प्रश्न मतलब प्रश्नवाचकता का बोध हो, वो भी प्रश्नवाचक माना जाता है। जिसमें प्रश्नवाचकता का बोध हो वो भी प्रश्नवाचक माना जाता है। कई बार आपने पढ़ते हैं कि नकारात्मक शब्दों में नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिना नहीं के भी नकारात्मक शब्द बनते हैं। अभी हम आगे आएंगे वाक्य फॉर्मेशन पे, वाक्य रचना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, इसी के बाद हम लोग शब्द रचना पढ़ेंगे, शब्द रचना के बाद हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द रचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। तो जब मैं आपको वाक्य रचना पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि नहीं आप फॉर्मेशन करना सीखिए, क्वेश्चन जब लाऊंगा वहां पे तो सिखाऊंगा आपको। तो यहां पे आप समझिए, मैं अंदर आ सकता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन का मामला है, यहां प्रश्नवाचकता का मामला है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ये लगेगा। बहुत सारे बच्चों को लग भी सकता है कि सर पता नहीं क्या फर्जी में पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, फर्जी में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं, सर खान सर के सपोर्ट में कुछ बोलिए, ठीक है। अजय कुमार राव जी बोल रहे हैं, बार बार इनका कमेंट आ रहा है। अजय राव जी, बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, वीडियो खत्म हो जाने दीजिए फिर बोलूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि सर, कई सारे लोगों ने हमसे फोन करके पूछा, मैसेज देते हैं, व्हाट्सएप पे देते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, बोलूंगा। आज मैं खान सर के बारे में भी बोलूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं आप खान सर को जानते और हम नहीं जानते, ठीक है। हर कोई हर किसी को जानता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा। लेकिन एक बार पहले अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैं कभी चैप्टर के बीच में कुछ नहीं बोलता हूं और दोबारा कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। मैं बोलूंगा, दोबारा कोई कमेंट नहीं करेगा। आपको कमेंट करना तो आप उत्तर दीजिए, ताकि मैं देख पाऊं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बताएंगे, पहले पढ़ लीजिए। आगे देखिए, कर विस्मय, घृणा, भय, व्यंग आदि सूचना देने वाले वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं ऐसे मामले हो जहां विस्मय हो, घृणा हो, छी 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 आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, छी में ये क्या आ जाएगा, ये विस्मय जो है, ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, जैसे आपने बोला छी, ठीक है, याद रखिए, तो यहां ये आ जाएगा। या आपने कहा किसी को हाय हाय, तो याद रखिएगा, जैसे आपने हाय कहा ये आ जाएगा। जैसे आपने कहा वाह वाह, ठीक है, तो वाह में क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहां भी आ जाएगा। जैसे आपने कहा अरे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, याद रखेगा, अरे में भी क्या हो जाएगा, यहां भी। ये सब ऐसे शब्द हैं जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया ना। वीडियो को शेयर करो दोस्तों, कल का रिकॉर्ड तोड़ो, मजा आएगा। रोज रोज थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ो, मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, क्योंकि आगे के चैप्टर और शानदार है, बेहतरीन बेहतरीन। सोचो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, शब्द रचना पढ़ेंगे, वाक्य रचना पढ़ेंगे, मैं पूरी हिंदी पढ़ाने वाला हूं। ये दो चार दिन का लाइव क्लास नहीं है, कब बहुत अच्छे से चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जरा मुझे बताओ कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है। बड़ा सोच समझ के दोस्तों आप उत्तर दीजिएगा, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है और अवतरण चिन्ह होता क्या है, आप ये भी बताइए, दोनों बातें बताइए। अवतरण चिन्ह क्या होता है और इसका प्रयोग दोस्तों कहां पर किया जाता है, जल्दी से बताइए। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है। चलिए देखिए, अवतरण चिन्ह होते हैं दो प्रकार के। कितने होते हैं अवतरण चिन्ह जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अभी इधर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है, और इधर उदाहरण लिखा जाएगा बढ़िया से। तो अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। सिंगल वाला क्या लिखते हैं आप दोस्तों, यहां पे आप लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में कोई मैटर, और आप लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में कोई मैटर, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, दो प्रकार होते हैं अवतरण चिन्ह के, ये याद रखिएगा। अब जैसे जैसे कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रयोग कहां किया जाता है ना, तो ये आपसे पूछना, देखिए यहां पर कहां नहीं लिखा हूं मैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रश्नवाचकता का बोध हो रहा है कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब कहां किया जाता है, तो कहां लिखना आवश्यक नहीं है, यह भी प्रश्नवाचकता का बोध कर रहा है, ठीक है। तो यहां बताइए, जैसे याद रखें, कभी भी अगर कोई महत्वपूर्ण शब्द इंगित करना है, क्या इंगित करना है, कोई भी
कोई भी अगर महत्वपूर्ण शब्द है अगर उसको इंगित करना है, या कभी किसी लेखक का कोई स्पेशल नाम है उसको इंगित करना है, या किसी लेखक की रचना है, लेखक की कोई रचना है, या फिर लेखक का कोई कथन है, अगर इस तरह की कोई बातें दोस्तों, तो उनके लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जयशंकर प्रसाद की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। क्या है? कामायनी। तो यहां पर दोस्तों जो कामायनी है ना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा है, तो याद रखें कामायनी क्या होगा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में होगा, कामायनी है। या जैसे आपने लिखा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा क्या रहेगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, ये क्या रहेगा, ये या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। तो इसको आप लोग याद रखेगा, यही होता है अवतरण चिन्ह, और कुछ यहां पर नहीं है, और कुछ नहीं है। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा सामासिक पदों, युग्म शब्दों या फिर द्वित्त शब्दों के साथ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तो आपके सामने बहुत टेंशन है कि सर पहले ये बताओ ये सामासिक पद क्या होते हैं, ये युग्म शब्द क्या होते हैं, सर ये द्वित्त शब्द क्या होते हैं, तब तो हम इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, जानते सब हो, बस बोल नहीं पाते हो। चलो मैं आपको समझा देता हूं क्या होते हैं। कभी कभी दोस्तों आप देखते हैं कि कुछ शब्द अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, हमेशा आम तौर पे यूज किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हो दिन रात, भैया मैं दिन रात पढ़ रहा हूं। जैसे बोला कि मैंने पूछा आपसे आप कितना पढ़ाई करते हो, सर मैं दिन रात पढ़ता हूं। ठीक है, तो दिन रात जब बोलते हो आप, तो दिन इसी के आगे आप डैश लगाते हो, लिखते हो रात। ठीक है, नहीं तो आप बोलते हो कि सर जब आपकी लाइव क्लास आती है ना, तो हम भाई बहन मिलके आपका वीडियो देखते हैं। हम भाई बहन, हम के बाद जो आपने शब्द इस्तेमाल किया भाई बहन, ये भी क्या है दोस्तों, याद रखेगा यह भी जो है युग्म शब्दों का एक खेल है। इसके अलावा दोस्तों जो द्वित्त शब्द होते हैं, द्वित्त शब्द मतलब जो दो बार आते हैं, जैसे जैसे कभी बोलते हो सर आपके साथ पढ़ने में मजा आता है, आपके साथ साथ सर हमें भी मजा आता है, पढ़ने में आपके साथ साथ हमें भी मजा आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जैसे एक शब्द हो गया साथ साथ। ठीक है, साथ साथ। जैसे कुछ बच्चे बोले कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, सर धीरे धीरे पढ़ाइए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये धीरे धीरे जो शब्द है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका द्वित शब्द है। और ऐसे शब्दों के बीच में क्या यूज किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो मैं यूज कर रहा हूं ना सभी के बीच में, ये वाला पॉइंट, इधर वाला, इधर वाला, ये जो मैं यूज कर रहा हूं, इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को नाम दिया जाता है योजक चिन्ह का। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, ये योजक चिन्ह है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, जोड़े रखता है। जैसे बार बार, देखिए मैसेज आ रहा है सर बार बार हम कमेंट करते हैं, आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा सर आपसे पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, तो बाग बाग भी क्या हो जाएगा, यह भी यहां पर द्वित शब्द है। समझ में आ रहा ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं। अगला देखे कर निर्देशक शब्दों का, चिन्हों का प्रयोग कहां पर किया जाता है। निर्देशक शब्द बताइए दोस्तों, ये निर्देशक शब्द कौन से होते हैं ये आप बताइए। ठीक है, निर्देशक शब्द जल्दी से बताइए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परीक्षा में आ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, जल्दी से बताइए, डिफिकल्ट शब्द, सॉरी डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, निर्देशक शब्द, सॉरी शब्द बोल रहा हूं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कहां पर किया जाता है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके बता दूं, फिर देखिए बच्चे बोलने लगे। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखिए, निर्देशक चिन्ह माने क्या होता है दोस्तों, इसमें वाद संवाद होता है। ठीक है, वाद संवाद होता है। जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में वाद संवाद हो रहा है, मान लीजिए यहां पर कोई है, ठीक है, नवीन जी है, नवीन जी लिख रहे हैं सूचित करना। मान लीजिए नवीन जी और हमारे बीच में क्या हो रहा है, यहां पर वाद संवाद हो रहा है, और नवीन जी ने हमसे कहा सर आपकी क्लास कब चलती है। नवीन जी ने हमसे क्या कहा, सर आपकी क्लास, अब देखिए कामा कहां के लिखना है। जैसे बोलेंगे ना सर आपकी क्लास कब चलती है, ऐसे नहीं, सर आपकी नहीं, सर आपकी क्लास कब चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर आपकी क्लास कब चलती है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखिए जब नवीन कोई वक्तव्य बोल रहे हैं ना, तो याद रखिए यहां पर क्या यूज होता है, यहां पर निर्देशक चिन्ह होता है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं निर्देशक चिन्ह और जो आपका वो योजक चिन्ह है इसमें क्या अंतर है। निर्देश जैसे योजक चिन्ह इतना बड़ा है तो निर्देशक चिन्ह इसका आधा होता है, छोटा होता है, एकदम सेम पोजीशन पे लगता है लेकिन छोटा होता है। योजक चिन्ह छोटा, योजक चिन्ह किसी वाक्य के आगे नहीं लगता है,
लेकिन निर्देशक चिन्ह ऐसे में लगेगा। जैसे इधर मैं बोला, मान लीजिए यहां पे आपने लिखा नितिन, अब नितिन सर ने क्या बोला, तो याद रखे आपने लिखा नितिन और ऐसे करके लिखा और फिर लिखा कि यह हिंदी की क्लास रात को 9 बजे चलती है, ठीक है। तो याद रखेगा यह हो जाता है योजक चिन्ह। देखिए मैं आपको इसीलिए वाक्य प्रयोग करके बता रहा हूं कि आप समझो कि एक्चुअली में कैसे कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तो समझ गए ना निर्देशक चिन्ह के बारे में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जो है आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो लिखने के लिए, बोलने के लिए, इस तरह से बातचीत के दौरान इस तरह के शब्द आते हैं। आप कभी उपन्यास पढ़िए, उपन्यास में आपको हमेशा ऐसी लाइनें मिलेंगी, ठीक है। माता ने कहा ऐसे, पिता ने कहा, भाई ने कहा, ऐसा ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक का प्रयोग दोस्तों कब किया जाता है, ठीक है, कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है बताओ। अभी क्या होता है कि हम लोग जहां इच्छा होता है वहां कोष्ठक लगा देते हैं, नहीं यार ये गलत है, ये व्याकरण में गलत है। कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका एक सेंस बनता है। सेंस क्या होता है आप समझो, कोष्ठक का इस्तेमाल केवल तब करते हैं जब किसी कठिन शब्द की व्याख्या करनी हो, जब कोई कठिन शब्द हो और उसकी क्या देनी हो, व्याख्या देनी हो, व्याख्या देनी हो। देखिए बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं, मतलब कई सारी कंडीशन इसकी हैं, जैसे उसमें से एक कंडीशन यही है कि कठिन शब्दों की व्याख्या देने के लिए, या मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो मुख्य, कोई मान लीजिए मुख्य वाक्य है, ठीक है, कोई मान लीजिए मुख्य वाक्य है और उससे संबंधित कोई वाक्य है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हमको क्या लिखना है, अलग से लिखना है, क्या करना है, उसको अलग करना है, तब जाकर के इस तरह की चीजें आती हैं वहां पर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं अभी समझ में आ जाएगा, बिना एग्जांपल के थोड़ा सा आप दिक्कत में आ सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं वचन, वचन के प्रकार, जैसे कहीं पर लिखा है वचन के प्रकार, ठीक है, वचन के प्रकार, और इसी के आगे डैश करके लिखा है दोस्तों एक वचन बहुवचन, क्या लिखा है, एक, सॉरी यहीं पे लिखा है एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो ये होता दोस्तों तरीका इसका, तब जाकर के हम कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं दोस्तों कि आपकी, आपकी सामर्थ्य, देखिए एक 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 चीज आप समझिए, आपके सामर्थ्य, अब देखिए सामर्थ्य को क्या बोला जाता है दोस्तों, आपकी सामर्थ्य, सामर्थ्य को बोला जाता है शक्ति। अब एक कठिन शब्द है, इसको आसान बनाने के लिए मैंने आसान लिख दिया, आपकी सामर्थ्य यानी शक्ति ब्रैकेट में लिखेंगे, को मैं जानता हूं, को मैं जानता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे टाइम पे कोष्ठक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और कोष्ठक भी कई तरह का होता है, छोटा कोष्ठक होता है, बड़ा कोष्ठक होता है, मझला कोष्ठक होता है, ठीक है, तीन टाइप के कोष्ठक होते हैं। तो छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल तो ऐसे करते हैं, बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल दोस्तों खास करके अगर मान लीजिए हिंदी के दौरान कहीं पर इंग्लिश शब्द आ गए हो तो वहां पर हम बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार मझले कोष्ठक का इस्तेमाल भी अलग अलग टाइम पर किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जब किसी वाक्य में कोई शब्द लिखने में छूट जाता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ लिखना था, ठीक है, और वो छूट गया, वो छूट गया, जैसे 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 मान लीजिए कोई शब्द बनाइए, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, कुछ लोग समझ रहे हैं मैं क्या छोड़ दिया, अरे जानबूझ के छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब हमने यहां की लिखना भूल गया, मैं लिख दिया भारत राजधानी दिल्ली है, मुझे लिखना चाहिए था भारत की राजधानी दिल्ली है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कॉपी में ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहां छूटा हुआ है और यहां लिखते हैं की, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बनाते हैं ना, इसी को नाम दिया जाता है हंसपाद का, क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं ये हंसपाद है, क्या है ये हंसपाद है, ये क्या है दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है हंसपाद का। या फिर इसी का एक दूसरा नाम है त्रुटि बोधक, क्या नाम है, यानी त्रुटि हो गया, गलती हो गया यहां पे ना, तो इसी का एक और नाम है दोस्तों त्रुटि बोधक, क्या नाम है, त्रुटि बोधक। तो याद रखे दोस्तों हंसपाद या त्रुटि बोधक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सी वाक्य में कोई शब्द छूट गया हो उसके लिए, ठीक है। चलिए, गई भैंस पानी में, कहा हो गया भैया किसकी भैंस पानी में चली गई, ठीक है। चलिए बढ़िया दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, अच्छा लगे, देखिए थोड़ा साथ देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, बेहतरीन मजा आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करिए, निवेदन आप सभी से, किसी तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, वहां पर आप वीडियो को डाल दीजिए, इतना ही कर रहा हूं, ज्यादा मेहनत नहीं करने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले वीडियो में।
लेकिन किसी महत्वपूर्ण शब्द को बताने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण शब्द है और उसको बताना है आपको, तो उसके लिए दोस्तों आप किस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए जब कभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द बता के दिखाओ, अभी बताऊंगा ना सब उत्तर भेजना चालू कर देंगे। ठीक है, मुझे पहले बताओ, ठीक है सब पहले बताओ मुझे। ठीक है सर, मेरी पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिनकी भी पहली क्लास है, और हमेशा आया करिए क्लास करने। ठीक है, रात को 9 बजे क्लास चलती है, और आज ही रात को दोस्तों आपकी करंट अफेयर की भी क्लास चलने वाली रात को 11 बजे। ठीक है, तो यहां से जाइएगा, खाना पीना खाइएगा और फिर 11 बजे लौट के आइएगा। लाइव क्लास है, लाइव क्लास 30 मई के, अरे आज सुबह जो नहीं बीता, जो कल सुबह पढ़ने वाले हो ना, पूरी दुनिया जो कल पढ़ने वाली आप आज पढ़ लो। ठीक है, जो पूरी दुनिया कल पढ़ने वाली सुबह भोर में उठ के पढ़ेगी ना 5 बजे 6 बजे 7 बजे, वो आज आप 11 बजे पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, अब आ गए YouTube पे, जब आई गए तो थोड़ा और स्पीड में चलते हैं, मजा आएगा ना। कितने लोग लाइव रहोगे? देखो बच्चे का उत्तर आ गया, नवीन जी बहुत सही उत्तर दिया, अंडरलाइन। याद रखिए किसी महत्वपूर्ण शब्द को दर्शाने के लिए हमेशा अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? अंडरलाइन का। अंडरलाइन को ही हिंदी में बोलते हैं रेखांकित शब्द। ठीक है, रेखांकित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक रेखा रख दिया जाता है, उसके नीचे रख दिया जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने स्टडी 91 चैनल देखा, ठीक है स्टडी 91, तो जब स्टडी 91 आता है इसके नीचे अगर रेखा रख दिया, मतलब ये महत्वपूर्ण शब्द है, तभी तो रेखांकित किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये लाघव चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कब किया जाता है या कहां होता है, 3, 4, 6, 4, 10 एग्जाम्पल देके बता दीजिए। ठीक है, ये लाघव चिन्ह क्या होता है, सुनिए मेरी ध्यान से बात, लाघव चिन्ह क्या होता है। जैसे दोस्तों कभी कभी देखते होंगे आप, लिखना है जैसे उत्तर प्रदेश लिखना है, तो जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो लगता है दोस्तों ये वाला ना, यही लाघव चिन्ह होता है। क्या होता है? यही लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह। जैसे मध्य प्रदेश लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, यही लाघव चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव। ठीक है, गौरव का उल्टा क्या होता है, लाघव। पढ़ते हो, परीक्षा में बहुत आता है, तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला जुला के लाघव को क्या बोलते हैं, अगर इसका मीनिंग पूछ दे तो बता देना, संक्षिप्त, संक्षिप्त करने के लिए, किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए। ठीक है, वहां क्या इस्तेमाल किया जाता है, लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। लिखना पड़ता उत्तर तो लंबा पड़ जाता, जल्दीबाजी में लिख दिया वो लिख के उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये लाघव चिन्ह हो जाता है। कई सारे बच्चे ये बता रहे डैश डैश डैश, नहीं भाई ये लाघव चिन्ह नहीं है, ये आप गलत बता रहे हो। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या, अभी पढ़ लो। जैसे अगर मान लीजिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर ये आपका होता है, ठीक है ये होता है, कुछ ने ऐसे ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ दोस्तों ऐसे ऐसे बना के भेज रहे हैं। ठीक है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये सभी एक ही हैं, कुछ अलग यहां पर नहीं है, ये सभी क्या हैं, ये सभी एक हैं। क्या हैं? तो याद रखेगा दोस्तों, इनको जो नाम दिया जाता है, देखिए यहां पर प्रश्न लिख रहा है कि जब वाक्यांश में कुछ अंश छोड़कर लिखा जाता है तो यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। याद रखेगा, इनको बोला जाता है लोप सूचक। क्या बोला जाता है? लोप सूचक कहा जाता है, लोप सूचक। ठीक है, लोप सूचक मतलब यहां पर लोप हो गया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी डैश 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 फिर है लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहां क्या लिखना है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहां क्या आना चाहिए, नई दिल्ली। तो इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो गया, ये लोप चिन्ह का इस्तेमाल किया गया कि इसके अंदर आप भरिए। जैसे आप प्रश्न पढ़ते होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वहां पर जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, वो वहां पर क्या होता है, ये लोप सूचक होता है। लोप हो गया वहां पे, शब्द का लोप हो गया, उसको आपको बाहर निकालना है, इसीलिए आप बोलते हो लोप सूचक शब्द। समझ में आ रहा है ना? सोचिए विराम चिन्ह जैसे छोटे से चैप्टर में इतना समय बाधा जा सकता है कि पिछले 35 मिनट से आप पढ़ रहे हो और सोचो कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो सोचो जब आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें कितना मजा आएगा। लेकिन आगे का चैप्टर तभी आएगा जब आप क्या करोगे, वीडियो को खूब जम के शेयर करोगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। कल सुबह 10 बजे खाली हो, संडे वैसे भी खाली होंगे, कोई काम नहीं होगा कल दोस्तों। मैं मूल विधि के ऊपर एक लेक्चर आ रहा है, मेरा लाइव लेक्चर आ रहा है। ठीक है, मूल विधि के ऊपर, ये ऐसा लेक्चर आपको पेड क्लास में भी दिया गया। ठीक है, वही वाला लेक्चर आपको दिया जा रहा है, तो लाइव भी दिया जाएगा वो। तो याद रखे दोस्तों, ये जो लेक्चर है बहुत बेहतरीन लेक्चर है, बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत 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 ज्यादा मजेदार। कैसे मजेदार है मैं आपको उसके बारे में बता दूं। इस लेक्चर में दोस्तों आप पढ़ेंगे मूल विधि में कि कैसे, मान लीजिए आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए कौन सी धारा है, क्या उस, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी आपको परेशान करने के लिए रात में डीजे बजाता है और डीजे का मुंह जो आपके घर की तरफ कर देता है। ठीक है, अब आप परेशान,
क्या आप FIR कर सकते हो, आप जाके कानून की सहायता ले सकते हो, कौन सा धारा, ये पढ़ेंगे कल। ये सब UPSI के मूल विधि में आता है, IPC 1860 की बातें हैं। या कोई व्यक्ति संक्रमण फैला रहा है, या कोई व्यक्ति जानबूझ करके कोरोना फैला रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी धारा है। कोई जो है उतावलेपन से रोड पे गाड़ी चला रहा है, अपने आप को ऋतिक रोशन समझ रहा है और एकदम गाड़ी को रोड पे ऐसे ऐसे घुमा के चला रहा है, ठीक है, लगता है कि अब नहीं तब एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई है क्या उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही हो सकती है? हाँ, हो सकती है। या अगर कोई व्यक्ति नशीला या मादक पदार्थ खिला करके किसी को लूटने का प्रयास करता है, या ऐसा पदार्थ बेचने का प्रयास करता है, या दवाई में मिश्रण करता है, या किसी खाने पीने का आइटम में कुछ मिलाता उलाता है उसके बाद बेचता है, इस तरह का जो धाराएं दोस्तों, या फिर लोग जलाशय को गंदा करता है, दूषित करता है, नदी को, तालाब को, झील को दूषित करता है, वायुमंडल को दूषित करता है, ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए कौन सी धारा है, इसके बारे में दोस्तों की स्पेशल क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। अगर खाली रहेगा तो कल 10 बजे आना मत भूलिएगा, ठीक है, 10 बजे एकदम शानदार सा लेक्चर चलेगा, रोज नहीं चलता है, संडे स्पेशल है इसलिए आपको दिया जाएगा। संडे को ये वाली क्लास भी रहेगी, बंद नहीं है, छुट्टी नहीं है, कल 9 बजे आपकी ये क्लास हिंदी की रहेगी। और कल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल हम लोग चर्चा करेंगे शब्द रचना के बारे में, आइए पढ़िए। करा विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये विवरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो विवरण चिन्ह माने होता है किसी चीज का विवरण देना, किसी चीज का विवरण देना। जैसे जैसे मैं मान लीजिए आपसे बात करूं, कोई भी एक मान लीजिए हेडिंग ले लिया हमने, ठीक है, जैसे ले लिया भारत छोड़ो आंदोलन, क्या ले लिया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अभी भारत छोड़ो आंदोलन तो दोस्तों आप लास्ट में ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, ऐसे का मतलब क्या है कि ये देखो आपने अंडरलाइन दिया, मतलब ये आपका महत्वपूर्ण जो है शब्द है, शब्दों का समूह है, और ये वाला जो आपने बनाया यही आपका क्या है, विवरण देने जा रहे हो, मतलब आप इसके आगे आप लिखने जा रहे हो कि भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था, ठीक है, इसी के बाद अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, बहुत सारी बातें, ठीक है। तो दोस्तों जो आप ये बोलते हो ना, यही क्या है, ये जो यहां पे चिन्ह लगाया है ना, यही चिन्ह क्या है, यही चिन्ह विवरण चिन्ह है, जहां पर हम किसी चीज के बारे में बताते हैं। आप ऐसे हिंदी पढ़ते से मैंने लिखा संज्ञा, ठीक है, संज्ञा लिख करके और ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या दोस्तों, याद रखिए अब संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है, संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ये चीज होता है दोस्तों विवरण चिन्ह, ठीक है, आगे बढ़िए। करा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दोस्तों क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, जल्दी से बताइए, पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सोच समझकर और आराम से बताइएगा, ठीक है, कब किया जाता है ये बताइए, याद रखिए किसी समान शब्द को दोहराने के लिए, किसी समान शब्द को दोहराने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, इस तरह के पुनरुक्त सूचक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए आपके 2-3 मित्र थे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम राम ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, ठीक है, एकदम सेम लिख दिया, फिर लिखा इधर लिखा नीचे श्याम, फिर आप क्या करते हो ऐसे ऐसे कर देते हो ना श्याम ने, इसका मतलब क्या होता है, आप कहते हो कि यहां जो लिखा वही लिखना है श्याम ने। या जैसे दोस्तों और आसान बताऊं, और आसान है, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, और आसान सुनिए, जैसे यहां पर लिखा है श्रीमान, ठीक है, रमेश जी, रमेश जी ने पुरस्कार जीता, ठीक है, पुरस्कार जीता, ठीक है, फिर लिखना है यहां किसी का नाम, तो आप देखो श्रीमान लिखते नहीं हो, श्रीमान के नीचे से 2 लाइन खींचते हो और लिखते हो मोहन, मोहन कुमार, मोहन कुमार गोल्ड मेडल जीते, गोल्ड मेडल, ठीक है, ऐसे लिखते हो। तो दोस्तों ये जो वाला चिन्ह है ना, यही क्या है दोस्तों, याद रखेगा यहां जो चिन्ह है जो ऐसे लिखते हो आप, ठीक है, कि ऊपर वाला जो शब्द उसी को कॉपी करना है, यही होता है पुनरुक्ति सूचक शब्द, क्या होता है, यही होता है पुनरुक्त सूचक शब्द, अब आप समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं यहां टाइम लेंगे। उपविराम चिन्ह का प्रतीक है दोस्तों, बताया था विराम कैसे बोलते हैं, कामा को विराम बोला जाता है, और दोस्तों सेमीकॉलन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, उपविराम बोला जाता है, सॉरी ये अर्धविराम है, और ये वाला जो होता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, उपविराम कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा उपविराम, गलती से भी आप मत भूलिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूं दोस्तों यहां पे, ताकि आपको जो है एकदम अच्छे से दिख जाए बोर्ड पर, ठीक है। उपविराम कैसे बनता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका उपविराम का चिन्ह क्या है, ये उपविराम का चिन्ह होता है। अब बात आती है कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया कब जाता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, अगर ये परीक्षा में पूछ दिया तब क्या बताया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए जैसे मान लीजिए कोई किताब है, किताब है जवाहरलाल नेहरू की, भारत एक खोज,
एक खोज, आप देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है यहाँ पे पुनरुक्त सूचक, सॉरी यहाँ पे जो है उद्धरण वाला नहीं है कि ये विस्तार से व्याख्या करने जा रहे, ये भारत की व्याख्या करने नहीं जा रहे। अगर ये व्याख्या करते हैं तब इसको क्या कहा जाता, विवरण चिन्ह नाम दिया जाता या उद्धरण चिन्ह नाम दिया जाता, ठीक है, विवरण चिन्ह। यहाँ विवरण नहीं है, यहाँ पे उपविराम दिया जाता है, जैसे उपविराम क्यों, रुकिए, भारत एक खोज, भारत एक खोज, ठीक है, तो रुकना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, उपविराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, ठीक है, मुझे पता है कमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, फिर भी मेरे पूछने के बाद भी कितने सिंसियर और कितने प्यारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं लिख करके, ठीक है, मतलब चिन्हों को बना करके भेज रहे हैं, ठीक है भाई। नमन है, मैं आपकी जगह होता तो शायद इतने कठिन शब्दों को न लिख पाता, लेकिन आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, करा तुल्यता सूचक है, देखिए तुल्यता माने होता है, तुल्यता माने कहते यार हमारी तुम्हारी बराबरी, ये तुल्यता सूचक है। जैसे आपने लिख दिया दिवा दिवस, क्या लिख दिया दिवा दिवस, तो दिवा को ही दिवस कहा जाता है, दिवा को ही दिवस कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये तुल्यता सूचक शब्द है, जहां बराबरी किया जाता है वहां तुल्यता सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे आपने लिख दिया दोस्तों विद्या धन आलय, क्या लिख दिया विद्या धन आलय, ठीक है, और इसका तुल्यता सूचक बताया कि यही क्या है विद्यालय, यही क्या है विद्यालय, ठीक है, तो ये बोलते हो ना, तो याद रखिए ये वाला जो चिन्ह है क्या है, आप कहते हो बराबर, इसी को हिंदी में तुल्यता सूचक बोला जाता है, ठीक है, तो यहां आप समझ पा रहे होंगे ना कि तुल्यता सूचक। और ये क्या दोस्तों, ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको संधि सूचक कहा जाता है, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। करा समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा लेख समाप्त हो जाए, पैराग्राफ सेंटेंस में नहीं होता है, जब वो पूरा लेख क्या हो जाता है, जो चैप्टर चल रहा होता है, जब वो पूरा लेख क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब क्या बोला जाता है, वहां पर समाप्ति सूचक चिन्ह आता है। और कैसे बनता है, ऐसे बनता है, आप किताबों में देखे होंगे इस तरह का चिन्ह बनता है, इसको समाप्ति सूचक चिन्ह का नाम दिया जाता है, ठीक है, यह समाप्ति सूचक चिन्ह है, मतलब इति सिद्धम, यहीं पर क्या होता है, यह समाप्त होता है, ठीक है। थोड़ा सा और शेयर करिए, निवेदन हाथ जोड़कर दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, ज्यादा नहीं, बस कल का आंकड़ा क्रॉस चढ़ जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग भी तो चाहते होंगे कि नहीं नितिन सर को खुशी मिले, ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अभी चल रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत शानदार सा कोर्स चल रहा है स्टडी 91 पर, आप आइए और देखिए। कर आप संभवतः अफ्रीका के निवासी हैं में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए यहां पर क्या होगा, आप संभवतः अफ्रीका के निवासी हैं में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, या फिर कभी जो है यहां पर प्रश्नवाचक के अलावा जैसे संभावना वाले भी जब आ जाते हैं ना, तो यहां पर भी दोस्तों याद रखेगा क्वेश्चन मार्क दिया जाता है कि आप संभवतः अफ्रीका के निवासी, मतलब क्या आप संभवतः अफ्रीका, क्या आप अफ्रीका के निवासी हैं, इस प्रश्न के जगह पे एक नए वे में पूछा जा रहा है कि आप संभवतः अफ्रीका के निवासी हैं, तो याद रखेगा यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। करा योग चिन्ह का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो यही योग चिन्ह है, अभी अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि विद्याधन आलय, विद्या धन आलय, और इसके बराबर आप क्या करते हो, विद्यालय करते हो, ठीक है, तो याद रखेगा जो धन लगाए हो ना, ये जो धन लगाए हो, यही धन क्या है, यही योग चिन्ह है, यही धन क्या है, यही योग चिन्ह माना जाता है, ठीक है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को योग चिन्ह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर दो समानार्थी शब्द हैं और उनका पुनरुक्ति, मतलब दो बार वो शब्द पूछे जाते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला कभी कभी, ठीक है, तो कभी और कभी के बीच में क्या लगाते हो, तो आप कहते हो सर तो आप पढ़ा चुके हैं, हाँ तो नमो बता दो ना, पढ़ा चुके हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को नाम दिया जाता है योजक चिन्ह का, ठीक है, तो याद रखेगा या सामासिक शब्द हो या द्वित शब्द हो या फिर पुनरुक्ति वाले हो, इन सभी में योजक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आज दोस्तों मैं कुछ और भी ऐसे भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, डिफिकल्ट, मैं अभी एक सेंटेंस दूंगा और वहां पे आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, ऐसे पांच क्वेश्चन मैंने यहां पे शामिल किया, 5-6 क्वेश्चन जो आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा कि हां सही है या गलत है। लिख रहा है किसी वाक्य में जहां अर्ध विराम के अपेक्षा कम रुकना पड़ता है वहां प्रयुक्त होता है, तो मैंने बताया था ना दोस्तों, देखिए तीन तरह के स्टॉपेज होते हैं, स्टॉपेज कितने होते हैं, तीन तरह के स्टॉपेज, जहां थोड़ा सा रुकना हो वहां कामा, ठीक है, जहां थोड़ा ज्यादा रुकना हो वहां ये,
ठीक है, सेमी कॉलम, और जहां पे ज्यादा रुकना ये उपविराम, ठीक है। तो देखिए मैं नाम भी लिख दे रहा हूं सबका, सबका नाम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, ये अल्पविराम है, ये अर्धविराम है, अल्पविराम, अर्धविराम और उपविराम, ये तीन है। आपसे क्या पूछा है, करा अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना, यानी इतना यहां पे जितना रुका जाता है उससे कम रुकना है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, मतलब यहां कमा आ जाएगा आपका सही उत्तर। अगर कहता कि अर्धविराम से ज्यादा रुकना तब क्या हो जाता, तब आपका उत्तर हो जाता उपविराम। समझ में आ रहा ना? तो एक एक मुद्दा आप समझो, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के साथ बातचीत करना होगा, तब जाकर के आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। लिख रहा है विवरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये जो विवरण चिन्ह होता है इसका एक और नाम है आदेश चिन्ह। क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह का एक और नाम है आदेश चिन्ह, मतलब जहां पे आप विवरण देने जाते हो। जैसे मैंने बताया ना कि संज्ञा, संज्ञा के बाद अगर आप विवरण देना चाहते हैं तो आगे बताइए इसके, ठीक है, लंबी चौड़ी लाइन लिखी जाएगी, पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, तो यह होता है आदेश चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह, इसको भी याद रखिए, भी इंपॉर्टेंट है। करा त्रुटि विराम का दूसरा नाम क्या है, तो बताया तुम आपके त्रुटि विराम को ही क्या कहते हैं, हंसपाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? हंसपाद, ठीक है। जहां पर कोई किसी वाक्यांश में कोई शब्द छूट गया हो तो उसके लिए दोस्तों इस हंसपाद या त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखेगा। करा दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। देखिए दिवा दिवस क्या होता है, अगर आप दिवा को देखेंगे तो दिवा माने भी दिन होता है और दिवस माने भी दिन होता है, तो दिवा दिवस के बीच में ये तुल्यता सूचक शब्द लगेंगे। क्या लगेंगे? तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। और तुल्यता सूचक चिन्ह क्या है, बराबर को तुल्यता सूचक चिन्ह का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है जो पत्र आज आया है कहां है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यह आपको बताना है। जो पत्र आज आया है कहां है, चलिए आइए बताइए। अब देखिए कभी आपके सामने मान लीजिए ऐसा प्रश्न दे दिया और आपको अब इसमें प्रयोग करना है कि एक्चुअली में सही क्या है, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे बोलिए ना, पहले आप बोलिए, जब आप बोलेंगे देखिए जहां आपको लगता है रुकना पड़ेगा वहां कामा, और ज्यादा रुकना पड़ रहा है तो अर्धविराम, ठीक है, और ज्यादा रुकना पड़ रहा है तो उपविराम, पूरा रुक गए तो पूर्ण विराम, आप अपने हिसाब से प्रयोग करिए। जैसे जो पत्र आज आया है कहां है, जो पत्र आज आया है कहां है, तो आया है के बाद आपने रुका, तो रुका तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पत्र आज आया है तो कामा लगेगा, कहां है, ठीक है, तब आएगा दोस्तों कहां है, और तब लगेगा कहां है के बाद ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो आपकी परीक्षा में दोस्तों इसी से संबंधित चार ऑप्शन और दिए रहेंगे, आपको उन चारों में से ऐसे ही क्या करना है, छांट करके लिखना पड़ेगा कि कौन से वाले में सही जो है प्रयोग किया गया। कहीं कहीं पर यहां कामा दे देगा, कहीं और कामा दे देगा, कहीं और कामा दे देगा, तो ऐसा रियल में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आवाज आ रही है ना, ठीक है, आगे पढ़िए, ज्यादा नहीं, चार पांच क्वेश्चन है। करा हां मैं नहीं रहेगा दोस्तों, यहां कर लीजिएगा मैं, हां मैं सच कहता हूं बाबूजी मां बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया, हां मैं सच कहता हूं बाबूजी मां बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। अब देखिए यहां पर कहां कहां क्या क्या लग सकता है, आप समझो सेंटेंस को। जैसे मैंने बोला हां रुका, तो याद रखिए कभी भी बोलेंगे हां तो ये क्या हो जाएगा, हां रुका, फिर मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, अब देखिए मैं यहां पर अब एक चीज और याद रखिए, मैं सच कहता हूं, अब देखिए मैं दो शब्द आपसे बोलने जा रहा हूं, मैं सच कहता हूं बाबूजी ऐसे होगा या मैं सच कहता हूं बाबूजी ऐसे होगा, आप बताओ, आप अपनी इच्छा से बताओ, अपने मुंह से बोलो। देखो मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई तब हो पाएगा, तो आप बोलिए मैं सच कहता हूं बाबूजी, मैं सच कहता हूं पापा मुझे मत मारो, मैं सच कहता हूं मम्मी, बोलते हो क्या ऐसे, तो नहीं बोलते ना, मैं सच कहता हूं पापा मुझे मत मारो, ऐसे नहीं बोलते हो ना, तो आप इसको साथ ले लेते हो, तो मैं सच कहता हूं बाबूजी, ठीक है। अब बाबूजी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पे आ जाएगा विस्मयादि बोधक, क्यों, क्योंकि यहां पे भावना आ रही है, ठीक है, विस्मय आश्चर्य वाली बात है, मैं सच कहता हूं, अब देखो विश्वास दिला रहा हूं, मैं सच कहता हूं बाबूजी, ठीक है, अब फिर क्या है, मां बीमार है, मां बीमार है, तो जाहिर सी बात है मां बीमार है के बाद आप रुके, मां बीमार है अब आप रुके तो यहां कामा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं गया, तो जाहिर सी बात है सबसे अंतिम में आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं
गया, ठीक है। एक तो आपका ये सेंटेंस बनेगा, और अगर आपके परीक्षा में इतना दिया तो सही है। कभी कभी दोस्तों यहां इन्वर्टेड कामा भी दे देता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देता है, क्योंकि यह वाक्य जो है प्रयोग किया जा रहा है और बोला जा रहा है, यह पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, तो कभी कभी इन्वर्टेड कामा देता है और कभी कभी नहीं देता है, तो कोई बात नहीं। परीक्षा में दिया है तो इन्वर्टेड कामा वाला ले लो, नहीं दिया है तो आप बस कामा लगाकर और विस्मयाद बोधक चिन्ह लगाकर पूर्ण विराम अंतिम में लगाकर आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लिख रहा, आप हमारे घर में आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। अब यहां पे क्या हो दोस्तों, क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए होता क्या, आप हमारे घर में आना चाहते हैं तो आइए, अब यहां पे रुकेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें क्या लिखना है दोस्तों, यहां पर हमें लिखना है आप हमारे घर में, अच्छा मैं यही कर लू ना, क्या मतलब लिखने का, आप हमारे घर में आना चाहते हैं तो आइए। अब देखिए, आप हमारे घर में आना चाहते हैं तो आइए, अब यहां कामा कहां लगाएंगे, देखिए एक तो कामा आपको यहां लगाना, रुकना पड़ेगा, आप हमारे घर में आना चाहते हैं तो आइए, अब आइए जब बोलेंगे तो यहां थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ेगा, और जब ज्यादा कामा से रुकना पड़ेगा तो कामा के बाद क्या लगाएंगे यहां पर, आप सेमी कॉलम लगा देंगे वाला, ठीक है। तो याद रखेगा ये आप लगाए थे अल्पविराम, आपने यहां लगाया अल्पविराम, और यहां पे लगाना पड़ेगा आपको अर्धविराम, क्या लगाना पड़ेगा अर्धविराम, ठीक है। ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, अब देखिए ठहरना चाहते हैं तो हैं के बाद आप रुकेंगे, और तो ठहरिए फिर क्या हो जाएगा, ये मामला समाप्त हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा। मेरी क्लास में भागा होगा मत करिए, कोई फायदा नहीं है भागने का, एक घंटे की क्लास आपको इतनी सुपर डुपर हिट, इतनी क्वालिटी कंटेंट वाली क्लास मिल रही है, और अगर बच्चे इसको भी छोड़कर चले जाएं, मतलब आपका पढ़ाई के प्रति ना तो कोई रुचि है ना कोई रुझान है। डेली रात को 9 बजे क्लास चलती है, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर के पढ़े वो ज्यादा फायदा है। अरे भाई हमेशा आप अपना फायदा क्यों देखते हैं, कभी स्टडी 91 का नितिन सर का भी फायदा देख लिया करिए, पूरी टीम पढ़ाती है दोस्तों आपको, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास जो कि अभी आपको रात को 11 बजे आज मिलने वाली स्पेशल क्लास, ठीक है, और 8 बजे आपको मैथ की क्लास, 10 बजे स्टैटिक जी की क्लास, उसके बाद दोपहर में 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास, 4 बजे जो है हिस्ट्री की क्लास, शाम को 7 बजे पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास, इतनी सारी क्लासेस दिया जाता है, रात में 9 बजे हिंदी की क्लास, तो इतना मेहनत किया जाता है, थोड़ा तो सपोर्ट किया करो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और क्या है, मृदुभाषी है। यहां पे क्या दोस्तों, देखिए जब आप कभी बोलते हो ना वह ईमानदार परिश्रमी तो थोड़ा सा रुकते हो, तो यहां कामा लगाइए, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। याद रखे दोस्तों ये जो और होता है ना, और का इस्तेमाल हमेशा कब करते हैं, जो अंतिम को दो होते हैं उनको जोड़ने के लिए, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि आप और यहां लिख दिए, वह ईमानदार और परिश्रमी तथा कर्मठ एवं मृदुभाषी है, एक ही में इतना नहीं होता है, और भी लगा दिया, तथा भी लगा दिया, एवं भी लगा दिया, सब नहीं लगता है, केवल अंतिम में जो दो होते हैं उनके बीच में और का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बोला राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन सीता और गीता, अंतिम में है जो, तो सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता बाजार घूमने जा रहे हैं या मेला घूमने जा रहे हैं, तो बाकी के जगह नहीं लगाया, जो अंतिम के दो लोग होंगे चाहे कोई लोग, ठीक है, याद रखेगा वहीं पर आप और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़िए। करा ऊंच नीच, अरी अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं हैं। देखिए ऊंच नीच में क्या होता है, जाहिर सी बात है ऊंच और नीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, कामा होगा, फिर ऊंच नीच कामा, अमीर गरीब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे, अमीर गरीब फिर कामा, समाज की विभाजक रेखाएं हैं, समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही, कोई दिक्कत आपको, बाकी अच्छा अंतिम में पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक है, नहीं कहोगे सर आधा बता के चले गए, ठीक है सर समझ में आ रहा है। चलिए सर मुझे शुरू से पढ़ना है, भाई शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है, स्टार्टिंग का दो वीडियो दे दिया गया, आज तीसरा वीडियो है, ये तीसरा लेक्चर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, बस हो गया रहने दीजिए, गजब गुस्सा में बोल रहा है भाई, बस हो गया रहने, अब कैसे बोलते हैं बस हो गया, ठीक है बस हो गया, ठीक है, तो पहले बस पे कामा लगाइए, फिर हो गया पे कामा लगाइए, फिर रहने दीजिए पे कामा मारिए, यहां पर पूर्ण विराम मान लीजिए, ये आपका सही होगा, बस हो गया रहने दीजिए, बस हो गया रहने दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए, वाह तुम्हारा क्या कहना, तुम बहुत ऊपर तक जाओगे, ठीक है, वाह वाह के बाद क्या करोगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप आश्चर्य दिखा रहे हो, तो ये क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, वाह तुम्हारा क्या कहना। अब देखिए अगर क्या लग रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहना, अब रुकते हो यहां पर, तुम्हारा क्या कहना, बहुत ऊपर तक जाओगे तुम,
ठीक है, तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका एक सही तरीका हो जाएगा इसको बनाने का। चलिए जो लोग आर ओ आर ओ की तैयारी में लगे हैं दोस्तों, अरे अभी आएगा भाई, 6 चैप्टर आपकी परीक्षा में आना है। जो लोग पेट बैच ज्वाइन किए हैं और जितने बैच में भी हिंदी की जरूरत है, जैसे पेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, आर ओ आर हो गया, सब जगह हिंदी की धमाकेदार क्लास दूंगा, इससे भी ज्यादा बेजोड़, इससे भी ज्यादा बेजोड़। और ये जो मेरी इंडिविजुअल आ रही ना, अगर उस हिंदी को आपने पढ़ लिया ना, बाप रे, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। इतनी बेहतरीन क्लास बनाया जा रहा है हिंदी पर, इतनी बेहतरीन क्लास, तबीयत खुश हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अरे बोलता हूं भाई खान सर के बारे में, अब तो खान सर के बारे में बोलने को लेकर ही परेशान हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, पढ़ लिए, क्रोध चाहे जैसा। अब देखिए, क्योंकि जैसे आप बोलते हो क्रोध, तो क्रोध को बोलने के बाद दोस्तों आप रुकते हो, क्रोध चाहे जैसा भी हो, तो क्रोध के बाद रुके, चाहे जैसा भी हो रुके, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, यहां पर दे दिए पूर्ण विराम, तो यह हो जाएगा आपका सिंपल सा एक सेंटेंस तैयार, ठीक है। अल्प विराम, अर्ध विराम और उपविराम में क्या अंतर है? तो अल्प विराम मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्प विराम मतलब कामा, और अर्ध विराम मतलब ऐसे, और उपविराम मतलब ऐसे, और सब बता चुका हूं, यहां कम समय, यहां उससे ज्यादा समय, और यहां इससे भी ज्यादा समय, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी होती है, सब बताया जा चुका आपको। तो दोस्तों यहां पे देखिए हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। अब बात आती है कि जो लोग पेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज दोस्तों और याद रखें, कभी बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है, लोगों का कमेंट आ रहा है, सर खान सर के बारे में बोलिए, खान सर के बारे में बोलिए, तो जरूरी है बोलना, ठीक है। देखिए अभी उनके नाम को लेकर के विवाद चल रहा था, बहुत विवाद चल रहा था, और जाहिर सी बात है अगर आप वीडियो देखते हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, तो हम भी जानते हैं, ठीक है। नो डाउट पूरे यूट्यूब पर बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है। देखिए मेरी एक आदत रही, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, चाहे बच्चे रहते हैं, चाहे मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे मेरे साथ जो अध्यापक लोग हैं, चाहे जो बाहर लोग पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी जो है यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो कोई भी विषय के टीचर हो, नो डाउट मैं सभी का मान सम्मान करता हूँ और हमेशा सबको जो है प्रोत्साहित करता हूँ, खास करके ऐसे सभी लोगों को, हमारे हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे होते हैं जो देश की बात करते हैं, या देश के लिए बात नहीं, देश के लिए काम भी करते हैं, मेरे लिए हाई प्रायोरिटी पे ऐसे लोग होते हैं। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं खान सर सही, बहुत सही, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड के ऐसे दौर में जब लोग जो है सोचिए, मैं तो इसलिए खान सर से खुश हूं कि एक भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनको फॉलो करती है। सबसे बड़ी जो मेरी खुशी मैं बता दूं, शायद खान सर को भी नहीं पता होगा कि मैं बात बोल रहा हूं, या शायद आपको भी नहीं पता होगा कि मुझे खुशी क्यों है। मुझे खुशी इस बात की दोस्तों कि अभी व्यक्ति के पास जो भी टाइम रहता है, तो आदमी सोचता है कि चलो 1-2 घंटा दिन भर काम कर रहा है, चलो 1-2 घंटा मोबाइल चलाना, चलो कुछ वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वो कुछ अच्छा वीडियो देखता है, लोग कॉमेडी देखते हैं, कुछ और देखते हैं, लोगों के पास समय रहता है, लोग खान सर का वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर वो क्लास लेते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, देश के मुद्दे होते हैं, वहां पे क्लास लेते हैं। जब खान सर नहीं थे ना, तो क्या था, मैं बताऊं आपको क्या था, लोग ना हमेशा मतलब गंदगी की तरफ भागते थे। हमारे देश में पता चल रहा पबजी हावी था लोगों के ऊपर, पबजी हावी है, गेम खेलने में लोग परेशान है, लाइक जो है एप्लीकेशन है उसको लेकर के परेशान है, ठीक है, मार फोटो टो नाचने गाने में लगे हैं, क्रीम पाउडर पोत रहे हैं, पता नहीं कहां, मतलब जो हमारा यूथ जहां जाना चाहिए वो एक अलग ही दिशा में चल रहा था। उनके आने की वजह से नो डाउट एक बात तो तय है कि लोगों को एक दिशा मिली है, लोग सोच रहे हैं, लोग कम से कम जान रहे हैं। सोचिए इंटरनेशनल रिलेशन जैसे विषय वो इतने आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या, आप क्या चाहते हैं, मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। अरे यार जो व्यक्ति सही है, मैं व्यक्ति को क्यों गलत बोलूंगा, मैं तो सही बोलूंगा ना। तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। अभी उनके नाम को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। अरे यार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं साझा करना चाह रहा है, क्या फर्क पड़ता है किसी के नाम से। शिक्षा किसी के जाति को देख कर लिया जाता है क्या, ऐसा है क्या कि अगर मैं गुप्ता हूं तो आप हमसे नहीं पढ़ेंगे, मैं कोई और बिरादर का होता तो आप हमसे पढ़ते हैं, ये कोई तरीका थोड़े होता है। आप गुरु का सम्मान करना सीखो, पता नहीं कौन है जो उनके साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, गलत है, ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने नाम को नहीं साझा करना चाहता तो क्या फर्क पड़ता है, मत साझा करे, वो उसका अपना अधिकार है, क्यों कोई जोर जबरदस्ती साझा करना। और मैं बताऊं ऐसा नहीं कि अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे, नाम वो इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि भाई आप हमसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछो ना। जैसे मेरी क्लास ले लो,
देश में कुछ भी होता रहता है मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ। जनरली अभी अपने क्लास में कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। क्यों? सीधा मैं पॉइंट आउट, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मुद्दे पे बात करता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मेरी आदत रही है। अब मुझे अगर उस पर कोई ट्रोल करे कि सर इतनी बड़ी देश में घटना हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आप बोलते नहीं हो, अब मैं ये समझता हूँ कि आपके पढ़ाई का समय है, आपको सारी चिंताएं छोड़ करके सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ। तो मेरी अपनी कंडीशन है, उस कंडीशन से मैं समझौता क्यों करूं और कोई मुझे क्यों कराए समझौता? तो अगर वो व्यक्ति अपना नाम नहीं बताना चाहता तो इसमें क्या आपत्ति किसी को? उन्होंने एग्जाम्पल भी तो दिया कि बहुत बढ़िया किताब है जो है आर्यश अग्रवाल की। कितने लोग हैं जो आर्यश अग्रवाल का नाम जानते हैं? या मैं कहता हूं अगर आप सिविल के स्टूडेंट होंगे या कोई भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो आपके पास भारतीय राज व्यवस्था की किताब होगी, यम लक्ष्मीकांत। जरा यम लक्ष्मीकांत का पूरा नाम बताइए, मुझे नहीं पता है ना। पीटी उषा का नाम नहीं पता है ना। तो क्या नाम में क्या रखा है? या किसी का, हम कह रहे हैं नाम छोड़िए, किसी के टाइटल में क्या रखा है? ठीक है, वो मुस्लिम ही हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो मुस्लिम ही हो तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क होना चाहिए। देखिए हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग शिक्षक हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं बताऊं कि मैं खाली हिंदुओं को पढ़ाऊंगा, मुसलमानों को नहीं पढ़ाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी होती है यार। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, शिक्षक शिक्षक होता है, तो इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। खैर देखिए, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो कुछ मुस्लिमों को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। देखिए सबके बात करने की एक ढंग होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, होना बोलना कुछ और रहता है, बोल कुछ और जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन आलोचना की जैसे बात होती है कि वो किसकी आलोचना करते हैं किसकी आलोचना नहीं करते हैं, उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। हमसे आप सभी ने व्यक्तिगत रूप से पूछा कि आपको इसके बारे में क्या राय है। मैंने अपनी राय बताई कि अगर वो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, विषय को आसान बनाकर लोगों के बीच में देते हैं, ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है और अप्रिशिएट करना चाहिए, और भी लोगों को सीखना चाहिए कि वो भी इस तरह की चीज़ों को बनाएं, इस पर काम करें और आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। हमारी टीम भी हमसे बोलती रहती है कि सर आप इस तरह, आप क्या है कि आपको बातों को प्रेजेंट करने का तरीका आपका बहुत अच्छा, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हो, तो क्या सर हम लोग मिल करके इस तरह का वीडियो बना सकते हैं? हमने कहा बनाएंगे वीडियो, बट अभी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरा मूड है वो किसी और चीज़ के रिसर्च पे लगा है, अभी मैं अपने कंटेंट पे रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं जब तक कंटेंट पे बेस्ट काम नहीं कर लेता तब तक मैं दूसरा काम नहीं शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं अपना समय पूरा कंटेंट पे देता हूं। जैसे आपको ये जो पढ़ा रहा हूं तो आप समझो ना कि इसके पीछे ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं मैं कहीं से चुरा के तो ला नहीं रहा हूं। आप जाके कुछ ढूंढ लेना किसी किताब से, किसी किताब से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो जब क्वेश्चन बनाया जाता है मतलब टीचर मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत कर रहे हैं आप उठा के मूल विधि की क्लास देख लेना, कल की क्लास देख लेना सुबह 10 बजे की, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में कंटेंट पर कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैं अपना समय अपने कंटेंट पर देता हूं। जिस दिन मेरा कंटेंट का काम समाप्त हो जाएगा फिर मैं भी इस तरह के मुद्दे पर चर्चा करूंगा और आपके सामने वीडियोस लाऊंगा। और आपको पता है कि आप जाके वीडियो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है, विश्व इतिहास में बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप उसको जाकर देखिए, आपको लगेगा कि वाकई सर एक नंबर की क्वालिटी। आप कमेंट जाके पढ़िए, जबकि तब मेरे पास इस तरह के बोर्ड नहीं थे, व्हाइट बोर्ड पर मैं मार्कर लेके पढ़ाया हूँ, और आज भी बच्चे बोलते हैं कि सर पूरी वीडियो देखने के बाद मालूम चलता है मैं कोई मूवी देख रहा था, किसी सीन में था, ऐसी क्लास है इसमें, ऐसे लोग इस कदर जो है रम जाते हैं। तो आगे इस तरह के वीडियो आएंगे, फिलहाल आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। याद रखिएगा दोस्तों, कल 10 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, अभी रात को 11 बजे करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर आपको समय से पहले इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया सुबह देती है, तो मैं थोड़ा आपको पहले दे दूं, तो आप जान जाइए कि अगले दिन आपको क्या पढ़ना है वो आज रात को ही पढ़ के आप रेडी हो जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर का वीडियो देखना मत भूलिएगा, लाइव क्लास रहेगी, थोड़ा भोजन हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।